गुड मॉर्निंग सर। गुड आफ्टरनून एवरीवन। गुड सर, आफ्टरनून। बोर्ड विजुअल है सबको? देखिए बोर्ड दिख रहा है। आपको होमवर्क दिए थे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। अब एक चीज़ बता देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको 11th 12th सब जगह इसका यूज़ मिलेगा। तो लिखने का तरीका जो है, जैसे मैंने आपको मान लीजिए सोडियम का मैंने आपको बताया था, ठीक है। सोडियम का हमको अगर लिखना है
तो एलिमेंट, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट हम लिखेंगे, एलिमेंट का सिंबल लिखते हैं, नाम पूरा नहीं लिखते हैं। ध्यान रखिए, नाम पूरा नहीं लिखना है, आपको सिंबल दिखाना है। सिंबल के लेफ्ट साइड में, बेस में आपको उसका एटॉमिक नंबर लिखना है। उसके बाद ऐसा एरो देने के बाद आपको लिखना है, चालू करना है आपका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा उसको, 1s2, ठीक, फर्स्ट कॉमा, देन 2s2, उसके बाद 2p6, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड कॉमा आएगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट सेल है हमारा, उसके बाद ये हमारा सेकेंड सेल है। तो फर्स्ट सेल के बाद हम एक कॉमा देंगे ताकि ये फर्स्ट सेल और सेकेंड सेल दोनों से अलग दिखे। उसके बाद जब हम थर्ड सेल को यूज़ करेंगे, तब फिर वहाँ से फिर अलग से कॉमा देंगे इस टाइप से, ठीक है। अगर आप कॉमा नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसमें मार्क्स कटते नहीं कभी। ध्यान दीजिए, कॉमा दो चाहे नहीं दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक। ये तो हो गया जनरल चीज़। अब देखो, आप सब ने किया है, बहुत लोगों ने जमा नहीं किया करके, तो इस चीज़ को आप ध्यान दीजिए। कुछ दो तीन लोगों ने किया है लेकिन इस चीज़ को फॉलो नहीं किया। मैंने आपको लिखा भी था उस टाइम क्लास के वक्त, बताया भी था कि एलिमेंट लिखना है, देन एटॉमिक नंबर कंपलसरी है, और तब जाके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। समझ में आया यहाँ तक? अभी किसी को डाउट है लिखने में? देखिए, आपको मैंने 30 तक दिया था होमवर्क, 30 तक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, ठीक है। उसमें से आप लोगों ने कॉपर लिखा होगा, देन क्रोम लिखा होगा, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा होगा, ठीक। अभी हमारे पीरियोडिक टेबल में देखो, केमिस्ट्री है तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, और एक्सेप्शंस थोड़े बहुत नहीं, बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक। क्योंकि जो थ्योरी है वो एलिमेंट्स को या एटम्स को पढ़ के दी जाती है। हाँ सौरभ, वही बता रहे हैं आपको, ये जो डाउट है आपको वही हम बता रहे हैं। तो केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस जो होते हैं, एक्सेप्शंस के लिए कोई थ्योरी नहीं है। कहीं पर अगर सपोज कीजिए हमने एटम्स के बारे में समझाया, ठीक है, अब कुछ ऐसा चीज़ है जो हम उसका थ्योरी नहीं दे पा रहे, तो हम क्या करते हैं, केमिस्ट्री में उसको एक्सेप्शंस में डाल देते हैं कि ऐसा होता है, ठीक, या इस चीज़ को आप ऐसा पढ़िए, वो भी किसी खास एलिमेंट्स के लिए। अब देखो, पीरियोडिक टेबल में फॉर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 30 एलिमेंट्स तक, ठीक है, इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जनरल अबव रूल से थोड़ा हटके होता है। अब हटके कैसे होता है, तो जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने किया है, जो हमने देखा है, उसमें आप देखो लास्ट में जो डी ऑर्बिटल्स हैं, जो 3D में जो इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, वहाँ पे आपको कुछ कन्फ्यूज़न दिखेगा, ठीक है। अभी कन्फ्यूज़न कैसा दिखेगा, तो कहता क्या है नया रूल, या नया थ्योरी आप कह लो, या नया रूल कह लो, नया रूल कहता क्या है कि हाफ फिल्ड, ठीक है, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स। आपको स्क्रीन दिख रहा है क्या? स्क्रीन आप लोगों को दिख रहा है? बोर्ड दिख रहा है? बोर्ड मेरा ठीक है, थोड़ा इधर से हैंग हो गया था इसके लिए मुझे लगा, ठीक है। चलो देखो, कहता क्या है थ्योरी कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझाने के लिए या बताने के लिए, ठीक है। अभी आप देखो, आपने जो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है तो आप उसमें चेंज क्या करेंगे,
आप उसमें चेंज क्या करेंगे, तो जो डी का जो लास्ट इलेक्ट्रॉन आपका आएगा, चलो एक काम करो आप इसको लिख के दिखाओ, चलिए फटाफट लिख के आप दिखाइए चैट में, फिर मैं आपको बताता हूँ क्या चेंज होगा उसमें। कॉपर और कॉपर चाहे क्रोम किसी भी एक का आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए और लिख के दिखाइए। देखो प्रियांशु ने ये आंसर दिया है, ठीक है, ये क्रोमियम का प्रियांशु ने दिया है, बाकी सबका भी देखते हैं। चलो बाकी सबका भी स्क्रीन पर रखता हूँ मैं। देखिए सबका क्या है, 4s2 3d4 4s2 3d4, देन सौरभ ने किया है 4s1, और क्या लिखा है इसमें, सौरभ क्या किए हो 20, अच्छा क्रो 1s2 2p6 3d5, सौरभ ने एग्जैक्ट लिखा है जो एक्चुअल होता है, ठीक है। देन रूपम 3d4 4s2, ठीक है। देखो अभी मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ ये एक्चुअली होता क्या है ना, एक्चुअल में हमारे थ्योरी के हिसाब से या हमारे कॉन्सेप्ट के हिसाब से हमको हमको ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना मिलना चाहिए जो यहाँ पे बोर्ड में आपको दिख रहा है, ठीक। लेकिन एक्चुअल में क्रोमियम क्या करता है कि अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एस ऑर्बिटल से ट्रांसफर कर देता है डी ऑर्बिटल को, ठीक है। तो डी में देखो, डी में हमको पता है कि डी में जो क्या बोलते हैं, जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो टोटल 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और मैक्सिमम वो 10 इलेक्ट्रॉन्स रख सकता है, ठीक है। और एस में वो मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रख सकता है और सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होते हैं एस में। तो हम इसको क्या करेंगे, इस टाइप से दिखा लेंगे। देखो ये थोड़ा तो अभी हम अपने हिसाब से अगर भरे इलेक्ट्रॉन्स तो एक यहाँ देखेंगे, दूसरा यहाँ। अब डी में चले आइए, एक देन दो तीन, चार, ठीक। अरे ये कहाँ गायब हो गया, ठीक है। अभी इसको समझाने के लिए क्या कहा गया कि यहाँ से s ऑर्बिटल से एक इलेक्ट्रॉन उठता है और उठ के चला जाता है यहाँ पे, ठीक।
ठीक है, तो जब एक इलेक्ट्रॉन उठ के यहाँ जाएगा तो हमको नेक्स्ट जो मिलेगा ऑर्बिटल का डायग्राम, या यू कहिए कि नेक्स्ट ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स का जो अरेंजमेंट है वो ऐसा देखने को मिलेगा। इसके पांच ऑर्बिटल और पांचों ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो जब क्रोम को देखा गया था प्रैक्टिकली, तो क्रोम को देखने के बाद ये देखा गया कि जो उसको इलेक्ट्रॉन्स है वो आपस में अपने आप को इस तरीके से अरेंज करते हैं, ठीक है। तो इसको इसको देखने के बाद और भी जो एलिमेंट्स देखे थे, जैसे कॉपर है और बहुत सारे एलिमेंट्स है पीरियोडिक टेबल में, तो उसके बाद ये कॉन्सेप्ट दिया गया कि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे या जो फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होंगे एज कम्पेयर टू अनफिल्ड ऑर्बिटल। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे चार इलेक्ट्रॉन्स है, ये वाला जो ऑर्बिटल है ये खाली है हमारा, ठीक है। तो ये कम स्टेबल होगा, ठीक है, या यू कहिए कि ये हमारा अनस्टेबल होगा, ठीक, और ये हमारा जो होगा ये हमारा मोर स्टेबल होगा। तो ये जो लाइन है, इस लाइन को आप ध्यान रखिए कि हाफ फील्ड और फुल फील्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल, ये ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है। सर, लेकिन डी में तो 10 इलेक्ट्रॉन्स कंटेंट्स होते हैं ना? हाँ बिल्कुल होते, लेकिन आपके पास अगर इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं तो आप अपने मन से थोड़ी भर देंगे। अच्छा, यहाँ हाँ। पे यहाँ पे आपके पास चार ही इलेक्ट्रॉन है ना? अच्छा हाँ ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है सर, ठीक। अभी किसी को डाउट है इसमें? इसमें किसी को डाउट है? विपुल का स्प्राइट क्लियर। अरे विदेशी वाली चीजें मत पीजिए, ठीक है, जूस वगैरह पीजिए, फल का शरीर भी ठीक रहेगा। चलो ठीक, देखो इसको हम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है, इसका नाम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी है। ठीक है, ये टॉपिक मैंने ऐड कर रखा है नोट्स में, तो वो टॉपिक आपका यहाँ ही खत्म हो गया। अभी मैं आपको पीरियोडिक टेबल दिखाऊंगा, उस पीरियोडिक टेबल में से आपको नोबल गैसेस जितने भी हैं सब आपको नोट डाउन करना है विथ एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो फटाफट नोट डाउन करेंगे क्योंकि लास्ट टॉपिक है, वो भी खत्म हो जाएगा। पतंजलि क्लियर, वाह। देखो यहाँ राइट साइड में आपको एक पीरियोडिक टेबल दिख रहा है, यहाँ से जो भी नोबल गैसेस हैं यहाँ तक, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन, इसको आप नोट डाउन कीजिए विथ एटॉमिक नंबर। देखिए राइट साइड में मैंने एक फिगर खोल रखा है, ड्राइंग खोल रखा है, यहाँ पे देखिए, देखो इस जगह पे ये राइट साइड में इतना आपको लिख के लेना है, दिख रहा है स्क्रीन पे सबको? चलिए फटाफट एलिमेंट लिखिए और इसका जो एटॉमिक नंबर है उसको लिखिए। पहला है आपका हीलियम, देन नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन एंड रेडॉन। देखो एक चीज और, मैंने आपको एक्सेप्शंस की बात किया है मैंने अभी, ठीक है, तो एक्सेप्शंस जो है वो केमिस्ट्री में भरपूर है और हर जगह देखने को मिलता है। आपने अभी तक ये पढ़ा होगा कि नोबल गैसेस जो है वो किसी भी एलिमेंट के साथ कंबाइन नहीं होते हैं, या कोई भी मॉलिक्यूल नहीं बनाते या कोई कंपाउंड नहीं बनाते इस टाइप से। लेकिन जब हम आगे पढ़ेंगे, आगे चैप्टर्स हम देखेंगे, वहाँ पे हम देखेंगे कि ज़ेनॉन जो है ये प्रोडक्ट बनाता है, क्रिप्टॉन बनाता है, ठीक है, स्पेशली ज़ेनॉन और क्रिप्टन बनाता है फिलहाल, और आर्गन, नियॉन, हीलियम,
ये फिलहाल अभी तक नहीं देखने को मिला है, ठीक है। तो उसमें से जो ज़ेनॉन है और जो क्रिप्टॉन है, ये फ्लोरीन के साथ आपका मॉलिक्यूल बनाता है। और उसमें से मजेदार चीज़ ये है कि ज़ेनॉन और फ्लोरीन का एक क्वेश्चन है जो कई बार कॉम्पिटिशन्स में भी पूछा जाता है और बोर्ड एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन भी हम पढ़ेंगे आगे के चैप्टर में, ठीक है। चलो हो गया है, तो हम वापस से चलते हैं अपने मेन ये पे। ठीक है, आपको जो नोबल गैस लिखाए हैं, देखो उस नोबल गैस को यूज करके भी एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनता है, जिसको हम शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं, ठीक है। या तो शॉर्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहेंगे या फिर नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी कहते हैं। अब उसको लिखने का तरीका क्या है, तो हाइड्रोजन के लिए हम कुछ नहीं करते। हाइड्रोजन का जैसा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है हर जगह वैसा ही रहता है, ठीक है। तो सॉरी, इसमें 2 नहीं 1 आएगा, 1s1। तो हाइड्रोजन के हर जगह पे सेम कंडीशन है। अब चलिए यहाँ पे चले आते हैं हम लिथियम में, ठीक है। तो लिथियम हमारा एटॉमिक नंबर है 3, देन 1s2 और उसके बाद 2s1। अब ध्यान से देखो, लिथियम और हाइड्रोजन के बीच में हमारे पास है हीलियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 2। कहने का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2। तो ये जो 1s2 है, ये 1s2 हमको कहाँ देखने को मिल रहा है, इस जगह पे देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, दो इलेक्ट्रॉन हीलियम का, इसको ये जो 1s2 है हम इसको रिप्लेस करेंगे इस हीलियम के साथ। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसा बन जाएगा, HE और 2s1, ठीक है। हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बन गया, कैसा इलेक्ट्रॉनिक, तो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। उसके बाद हमने क्या यूज किया, यहाँ पे हीलियम यूज किया है। तो जो हम ऑर्बिटल लिखते हैं, अब हम उसको एलिमेंट में लिख रहे हैं, ठीक है। जो हम ऑर्बिटल लिखते हैं उसको हम एलिमेंट में लिख रहे हैं, तो हम एक काम और करते हैं इसमें, इसको हम स्क्वायर बॉक्स में डालते हैं। ध्यान दीजिए, स्क्वायर बॉक्स है, ये बॉक्स ही यूज होता है। इसके जगह पे आप ना ऐसा कुछ सर्कल डाल देंगे और ना ही कोई दूसरा ब्रैकेट यूज करेंगे, ठीक है। ध्यान दीजिए, हमको यही यूज करना है, ये लिखने का तरीका है इसको, ठीक। अब जितने भी एलिमेंट्स हैं पूरे पीरियोडिक टेबल में, हम हर किसी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं नोबल गैस के हिसाब से, ठीक है। हर किसी का हम कर सकते हैं। अब देखो, यहाँ पे आप चले आओ, किसी बीच का आप ले लो, जैसे फास्फोरस का एटॉमिक नंबर है 15। रिप्लेस इसलिए किए क्योंकि हमको इस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को छोटा करना होता है, ठीक है। जैसे देखिए, यहाँ पे आपको छोटा तो नहीं दिखा, देखो यहाँ पे आपको, आपके पास क्या है, दो, एक आपने यहाँ लिखा एक बार और एक ये दो बार आपने लिखा, यहाँ पे भी आपने एक बार लिखा और यहाँ पे भी आपने दो बार लिखा। अब चले आप बड़े इलेक्ट्रॉनिक, बड़े किसी एलिमेंट में, जैसे हमारा ये फॉस्फोरस, अब अगर इसको लिखेंगे तो 1s2, 2s2, then 2p6, चलो सौरभ ने आंसर भी दे दिया। अब आप देखो, देखिए यहाँ पे आपको जो ये बड़ा जो लिखेंगे हम, 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2, ऐसे करके हम लिखेंगे, 3p3 तक जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये जो तीन बार जो हम लिख रहे हैं 1s2, 2s2, 2p6, उसे हमने सिंगली नियॉन में डिनोट कर दिया, तो आपका जो काम है वो आसान हो जाता है।
ठीक। अब इसी जगह पे मान लीजिए आपको अगर 80 जो 80 एलिमेंट है, 80 नंबर वाला जो एलिमेंट है उसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिया जाए तो आपको कितना लंबा लिखना पड़ेगा, पूरा 1s2 2s2 2p6 3s2 सब चीज लिखना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, 80 से पहले जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है नोबल गैस का, या यूं कहिए 80 से पहले जो नोबल गैस है, हम सिंपली उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लेंगे और उसके आगे का जो बचा खुचा है उसे लिखते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इसे यूज किया जाता है ताकि जो बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे आसानी से दिखाया जा सके। क्लियर हुआ अभी रूपम? बिल्कुल, ज़ेनॉन है। 80 से पहले जो होगा, ध्यान दीजिए जो पहले होगा उसे लेना, ऐसा नहीं कि हम बाद वाला ले लें, गलती नहीं करना वो सब, ठीक है। नोट दिख रहा है सबको, पीडीएफ दिख रहा है? सबको पीडीएफ दिख रहा है? चलो रूपा, मैं आपको फिर से समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिए। देखिए मैंने यहाँ नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ लिखा है, आपको फिर से एक बार बता रहा हूँ। देखो Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ दिया हुआ है, Mg का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखिए यहाँ पे है 1s2 2s2 2p6 3s2, ठीक। Mg का जो एटॉमिक नंबर है वो होता है 12, ठीक है। तो 12 से पहले जो हमारे पास नोबल गैस है वो नोबल गैस होता है नियॉन, ठीक। तो नियॉन का एटॉमिक नंबर कितना होगा, 10। अब हमको क्या करना है कि इस Mg का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसको कम करना है, तो हम क्या करेंगे, इस Mg से जो 12 इलेक्ट्रॉन है वो 12 इलेक्ट्रॉन मैनेज किससे करेंगे, तो नियॉन के 10 इलेक्ट्रॉन से हम मैनेज करेंगे, ठीक है। अब देखो नियॉन का 10 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है 1s2 2s2 और 2p6 पे आके कंप्लीट हो रहा है, ठीक। 2p6 पे आके हमारा 10 इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, ये 10 इलेक्ट्रॉन को यहाँ नियॉन से दिखाएं और उसके बाद जो बच गया हमारा 3s2, उस 3s2 को हमने यहाँ पे लिख दिया। समझ में आ गया? तो इसी तरीके से आप सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर सकते हैं, पूरे पीरियोडिक टेबल में हर किसी का आप कर सकते हैं। अब देखो जैसे मान लीजिए हमको क्रोम का करना हो, ठीक। तो क्रोम से पहले जो एलिमेंट हमारा नोबल गैस है वो है हमारा आर्गन, ठीक है, 18। तो अब हम क्या करते हैं कि इसमें से जो 18 इलेक्ट्रॉन है उसको हम शो करेंगे आर्गन के साथ, ठीक है। तो सबसे पहला जो हमारा एलिमेंट दिखेगा वो हम आर्गन को ऐसे बॉक्स में दिखा देंगे और उसके बाद 18 के बाद जो इलेक्ट्रॉन हमारा होता है उसको हम फुलफिल करेंगे। देखो रोडियम का अगर हमको लिखना है, ठीक है, रोडियम का हमको लिखना है अगर, तो रोडियम को हमको लिखना है तो रोडियम से पहले हमारा कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, सॉरी कौन सा नोबल गैस है हमारा, चलिए फटाफट बताइए, दिखा दूं आपको पीरियोडिक टेबल, क्या दिख रहा है स्क्रीन, दिख रहा है मेरा? सबको स्क्रीन दिख रहा है? अभी दिख रहा है सबको पीरियोडिक टेबल? देखो राइट साइड में पीरियोडिक टेबल दिख रहा है सबको?
देखो यहाँ पे जेनोन हमारे पास 54 है, ठीक है, राइट साइड देखिए मैं रेड कलर से दिखा रहा हूँ, जेनोन हमारे पास 54 है, ठीक। और एक चीज और बता दे, देखो ये जो है ये थोड़ा पेचीदा भी हो जाता है, ठीक। नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कंट्रीब्यूशन थोड़ा पेचीदा हो जाता है, वो इसलिए क्योंकि आपको भले पता हो कि भाई मुझे नोबल गैस यूज करना है, लेकिन आपको फिर भी स्टार्टिंग से सब कुछ लिखना पड़ेगा। वो इसलिए कि जैसे जेनॉन है 54, ठीक है, तो हमने क्या किया, जेनॉन को 54 इलेक्ट्रॉन्स हमने जेनॉन से दिखा लिया, ठीक है। अभी 54 इलेक्ट्रॉन्स तो हमारा खत्म हो गया, लेकिन अब 54 के बाद देखो, मान लो अगर ये हमारे पास हफनियम है, देन लैंथनम है, बेरियम है, देन सीजियम है, ठीक। अब इन सबको अगर हम मान लीजिए यूज करते तो 54 तो हमारा खत्म, लेकिन 7 कौन सा 54 हमारा किस ऑर्बिटल में आ रहा है वो हमें या पता नहीं होता या वो हमें याद नहीं रहता, ठीक, क्योंकि ये बहुत बड़े इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाते हैं। तो उस वजह से होता क्या है कि हमको पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से लिख के देखना पड़ता है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि ये थोड़ा पेचीदा हो जाता है सिर्फ याद नहीं रहने की वजह से, और वो याद रह भी नहीं सकता। अब मान लो आपको ये गोल्ड का, मैं आपको 79 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दे दूं, तो इस 79 में से आपने क्या किया, 54 तो भले आपने अलग दिखा लिया, लेकिन 54 इलेक्ट्रॉन्स कौन से ऑर्बिटल में आके खत्म हुआ है ये तो हमें नहीं पता, और फिर उसके बाद हम किस में चालू करेंगे वो भी हमें नहीं पता, ठीक है। तो वो हमारा थोड़ा कंफ्यूजन रह जाता है, लेकिन ये कन्फ्यूज़न भी हम नेक्स्ट चैप्टर में क्लियर करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिए कि नेक्स्ट चैप्टर में ये कन्फ्यूज़न भी हमारा क्लियर होगा। उस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि कौन से पीरियड्स के लिए या कौन से ग्रुप के लिए क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है और कैसे हम बनाते हैं। अभी डाउट है किसी को? देखो इस चैप्टर का ये आपका लास्ट टॉपिक था, ठीक है। आपका आपने जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किया है उसको आप ढंग से लिखेंगे जैसे मैंने आज बताया आपको लिखने के लिए, और उसी के साथ में आप उसका नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी लिखेंगे, ठीक है। आप उसके बगल में लिख लीजिए, चाहे उसको देख के ही आप उसके साइड में या कहीं जगह है पेपर में अगर, तो बगल में आप लिख के व्हाट्सएप में डाल दीजिए, ठीक है। इसका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट आज शाम या आप प्रियांशु सर, सर नोबल गैसेस तो रेड ऑन तक ही है ना, जिसका एटॉमिक मास ये एटॉमिक नंबर 86 है, तो उसके बाद का जो एलिमेंट, उसके बाद का जो एलिमेंट है उसका कैसे निकालेंगे, ऐसे करने पे जैसे मैं लिखेंगे आपको, रुको पीरियोडिक टेबल दिखाता हूँ, देखो जैसे, हाँ अभी बोलिए क्या बोल रहे हैं। सर जैसे यानी कि इसमें जो है पीरियोडिक टेबल में नोबल गैसेस जो है वो रेडॉन तक ही हैं, ठीक है, और लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 114 नंबर एलिमेंट का करेंगे तो वो कैसे करेंगे, शॉर्टकट जैसे आप बताएं। हाँ तो जैसे हमारे पास रेडॉन है लास्ट, ठीक है, तो हम जब 114 का करेंगे तो जाहिर सी बात है कि हम लास्ट में रेडॉन करेंगे, सबसे पहले हम रेडॉन लिखेंगे और रेडॉन के बाद जितने इलेक्ट्रॉन आगे हम लिखेंगे इधर। सर आवाज नहीं आ रही। जैसे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लिखेंगे, मान लीजिए हमें 114 का लिखना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगर जो रेडॉन का नंबर, जैसे रेडॉन देखो आपका 86 है एटॉमिक नंबर, तो हम क्या करेंगे 86 को रेडॉन को दिखा लेंगे और 87 जो इलेक्ट्रॉन होगा उसे हम यहाँ पे आगे लिखेंगे। यस सर, ठीक है।
और उसमें से भी देखिए आपके पास टोटल 118 एलिमेंट है। ध्यान दीजिए आपको जब 64, 65, 66 ये जो F ब्लॉक है ये अगर पूछा जाए ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये दोनों सिक्स और सेवेंथ पीरियड में ही आते हैं ठीक है। Yes, sir. तो yes, sir. जब हम सिक्स पीरियड की बात करेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा नोबल गैस यूज होगा वो यहाँ पे जेनॉन यूज होगा, और जब हम सेवेंथ पीरियड की बात करेंगे तो हमारा रेडॉन यूज होगा ठीक है। ये दोनों जो है यहाँ लैंथनम और एक्टिनम का ही सीरीज है। ये जहाँ मैंने देखो एट बनाया है ना, एट दिख रहा है सबको यहाँ पे, तो ये जो एट है ऊपर का जो हाफ सर्कल है ये हमारा लैंथनम 59 का सीरीज है, 58 का सीरीज है, और जो 89 है वो यहाँ 90 के सीरीज में आता है ठीक है। ये कोई अलग से जुड़ा हुआ नहीं, यहाँ सिर्फ 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर होने के वजह से इसको यहाँ पे नीचे दिया जाता है ठीक है। यस सर, समझ में आ गया बाकी लोगों को? Yes, बाकी लोगों को डाउट है? देखो पीरियोडिक टेबल नेक्स्ट चैप्टर हमारा पीरियोडिक टेबल के ऊपर ही है पूरा का पूरा चैप्टर ठीक है। तो पीरियोडिक टेबल हम वहाँ पे बहुत बहुत कुछ देखेंगे, वहाँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर से वहाँ थोड़ा बहुत पढ़ेंगे, और शॉर्टकट जो तरीका होता है हर पीरियड का वो भी वहाँ देखेंगे ठीक। अभी होमवर्क समझ में आया आपको क्या? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो आपने बनाया है उसी में नोबल गैस आप दिखाओगे, आपको दिखाने में भी आसानी रहेगा, एक ही चीज को बार बार नहीं करना है ठीक है। रह गया बात असाइनमेंट, तो हाँ सौरभ सिर्फ नोबल गैस का ही दिखाना है, एक तो आपने बना लिया ना, एक ही चीज को क्यों बनाने का बार बार ठीक है। असाइनमेंट आज शाम या आपको कल सुबह तक मिल जाएगा, और चैप्टर आप पूरा रिवाइज कीजिए, कल आपका क्लास नहीं होगा, कल आप कल भर आप पूरा रिवाइज कर लेंगे, पूरे चैप्टर में से जो भी डाउट होगा वो हम लोग परसों के लेक्चर में देखेंगे ठीक है। हाँ नोबल गैस के टर्म में करना है, 30 एलिमेंट का, 30 एलिमेंट से ऊपर नहीं कीजिएगा ठीक है, 30 एलिमेंट से ऊपर पूछता भी नहीं है। जिनका स्पेस नहीं है आप दूसरे पेज में लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको देख के आगे बना लीजिए दूसरे पेज में।